बीते 2 सालों से बस्तर के कुछ इलाकों में ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को सताया जा रहा है। इस बात की शिकायत पुलिस और प्रशासन से किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। समाज के जगदलपुर शहर की पुरानी मंडी परिसर में विरोध जाहिर करने आज धरना दिया, जिसके बाद रैली निकालकर प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों का आरोप है कि दरभा और बस्तानार ब्लॉक के अलग अलग गांवों में रह रहे समुदाय के लोगों को न केवल पीने के लिए पानी लेने से रोका जा रहा है और फसल पककर तैयार होने पर पंचायत के रसूखदार लोगों को फसल काट ली जाती है। इस मामले पर मसीह समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत हम राज्यपाल के नाम कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से मसीह लोगों के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर आज मसीह लोग इतना दुखित हैं, परेशान हैं और अपने परेशानों को लेकर इस जगह पर जगदलपुर में दूर दराज से पूरे बस्तर संभाग से एकत्रित हुए। विशेषकर जब मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसके दफन क्रिया में बाधा हो रहा है, दफनाने नहीं दिया जा रहा है और पानी पीने का अधिकार हमारा हनन किया जा रहा है, खेती जब पक जाता है तो आकर काट के ले जाया जा रहा है। इस प्रकार का बहुत सा समस्या है, जिस 5 समस्याओं को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहले हम सब लोग मिल करके एक साथ गाँव में, चाहे कोई भी धर्म समुदाय के हो, कोई भी जाति समुदाय के हो, हम सब मिल करके हर एक सुख दुख में भाग लेते थे, लेकिन 2 साल के बाद से ऐसा स्थिति निर्मित हुई है। इसीलिए हम आहट होकर के ऐसा कदम को हमको उठाना पड़ा। और नहीं होती तो आगे क्या रहेगा? इंटरडिनोमिनेशन चर्च फेलोशिप का उपाध्यक्ष, मसीह समाज का, और मसीह लोगों का आज गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का आने का जो महत्वपूर्ण कारण है, जो विशेषकर इस धरने का कारण है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जब खेती में खेत पक जाते हैं तो धान काटने नहीं दिया जा रहा है, शादी में आवागमन में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है और विभिन्न संगठनों के द्वारा आर्थिक रूप से भी हमें पिछाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मसीह समाज हमेशा करे